फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूं सोनिया शर्मा। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही क्विक और इजी है। आज हम बनाएंगे एगलेस मेयोनीज, वो भी मिक्सी में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। एगलेस मेयोनीज बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर 1/4 कप चिल्ड दूध और उतनी ही मात्रा में चिल्ड वेजिटेबल ऑयल। ध्यान रहे, दूध और वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल्ड। अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना तेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मेयोनीज का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि इतना ही ऑयल हम आगे और यूज करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही काली मिर्च, लगभग हाफ टी स्पून। काली मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब मिक्सी को स्टार्ट स्टॉप मेथड से 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिक्सर लगातार नहीं चलाना है, इसको स्टार्ट स्टॉप करके ही चलाना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग वाली मेयोनीज भी बना सकते हैं। उसमें आपको दूध की जगह पर 2 अंडे डालने होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मेयोनीज कुछ इस तरह से दिखेगी। यह अभी ज्यादा थिक नहीं हुई है। अब इसमें हम लगभग उतना ही ऑयल और डालेंगे जितना हमने पहले लिया था, और साथ में ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस अब मिक्सी को उसी प्रोसेस से चलाना है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। तो गाइस, एगलेस मेयोनीज बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको कभी भी 5 से 10 मिनट का टाइम निकालकर आसानी से बना सकते हैं, और इसके बाद आप कभी भी बाजार की मेयोनीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बाजार से लाई हुई मेयोनीज से घर की बनाई हुई मेयोनीज काफी हेल्दी होगी, क्योंकि आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि घर की एगलेस मेयोनीज कैसे बनकर तैयार हुई है। इस पूरी रेसिपी को बनाने में आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। तो देखिए मेयोनीज कितनी थिक और क्रीमी लग रही है। तो बस इसी तरीके से आप घर में एगलेस मेयोनीज बनाएं और बाजार की मेयोनीज भूल जाएं। अगर एंड मौके पर मेयोनीज कभी भी खत्म हो जाए तो आप इसको 10 मिनट में कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर्ड मेयोनीज चाहिए तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे गार्लिक मेयोनीज के लिए आप इसमें गार्लिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टोमेटो मेयोनीज चाहिए तो इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी फ्लेवर्ड मेयोनीज बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मेयोनीज कैसे बनी। और हाँ दोस्तों, आप तक वीडियो लाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।